हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध शराब को लेकर स्वरूपगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा निर्मित 795 कार्टन अंग्रेजी शराब की बरामद। दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। उड़वारिया टोल प्लाजा के पास हुई कार्रवाई। स्थानीय पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित शराब की 795 पेटियां बरामद की। साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पिछले दिनों शराब तस्करों से सांठगांठ के आरोप से घिरी सिरोही पुलिस में नए कप्तान आने के बाद ही पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गई है। तो वहीं जिले के पुलिस मुखिया भी पूरे एक्शन मोड में नजर में है। स्वरूपगंज पुलिस द्वारा अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की सूचना मिलते ही देर रात स्वरूपगंज पहुंचे तथा पूरे मामले की जानकारी ली। नवनियुक्त एसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव के आने के बाद पूरे जिले के पुलिस थानों में एक बार फिर से एक्टिव होने और शराब तस्करी सहित तमाम अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश देने के बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्वरूपगंज थाना अधिकारी छगनलाल डांगी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर देर रात करीब 1 बजे स्वरूपगंज टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी की गई, जहां से गुजर रहे एक ट्रॉली को रुकवाकर तलाशी ली गई, तो चावल की भूसी की आड़ में अवैध शराब की बड़ी खेप ले जा रही थी, जिसे मौके पर ही पकड़कर ट्रॉली में सवार दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के अनुसार ये शराब हरियाणा के करनाल से भरकर लाई गई थी, जिसे पड़ोसी राज्य गुजरात में सप्लाई की जानी थी। लेकिन इससे पहले स्वरूपगंज पुलिस ने इस बड़ी खेप को पकड़कर शराब तस्करों के मसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। कार्रवाई की सूचना मिलते ही एसीपी पहुंचे मौके पर। अवैध शराब को लेकर शुक्रवार बीती रात्रि करीब 1 बजे स्वरूपगंज थानाधिकारी छगनलाल मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उड़वारिया टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर एक ट्रॉली को रुकवाया गया, जिसमें अवैध शराब की बड़ी खेप की बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही नवनियुक्त एसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव देर रात 1 बजे स्वरूपगंज पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की जानकारी ली। जिले के कप्तान का इस तरह देर रात को मौके पर पहुंचना जिले के पुलिस कर्मियों को एक साफ संदेश है कि उनका मुखिया रात को भी अलर्ट रहता है। स्थानीय पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रॉली से करीब 795 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने अवैध शराब के साथ बाड़मेर के सरनू निवासी प्रेम सिंह पुत्र तेज सिंह व मिटड़ा बाड़मेर निवासी नारायण सिंह पुत्र चंदन सिंह को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। चावल के भूसे की आड़ में छिपा कर रखी थी शराब। स्वरूपगंज पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रॉली में भरी चावल के भूसे की आड़ में शराब छिपा कर ले जा रहे थे। यह अवैध शराब हरियाणा के करनाल से भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी, जहां स्वरूपगंज पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान टीम में यह रहे शामिल। स्वरूपगंज के उड़वारिया टोल प्लाजा पर शुक्रवार देर रात नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी छगनलाल डांगी, हेड कांस्टेबल सुमन राठौड़, कांस्टेबल बाबू सिंह, ओम प्रकाश, दिनेश कुमार व रामलाल शामिल रहे। जागरूक टीवी के लिए स्वरूपगंज से खास रिपोर्ट।